यस दोस्तों, डीएनएस के कारण एंड उसका क्या मैनेजमेंट है। सो दोस्तों, बहुत कॉमन है ये चीज हमारे नोड्स से रिलेटेड। अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो डीएनएस एक बहुत कॉमन समस्या है हमारे देश के अंदर। सबसे पहले दोस्तों ये हमें जानना होगा कि क्या है ये डीएनएस। बट दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे लोग ऐसे अनेक वीडियोज का आपको घर बैठे दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डीएनएस। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, ये हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये क्या है ये डीएनएस एंड डीएनएस का क्या फुल फॉर्म होता है। दोस्तों डीएनएस मतलब डेविटी नेजल सेप्टम, एंड ये क्यों इसका नाम डीएनएस डेविटी नेजल सेप्टम है। दोस्तों जो हमारा गोड ने नोज बनाया है ना, इसके बीच में क्या एक पतली जैसे एक कमरे में दीवार होती है ना, ऐसे एक वॉल होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। दोस्तों ये एग्जैक्ट हमारे बीच में होना चाहिए, जिससे दोनों तरफ हमारे नोज के अंदर इक्वल ब्रीदिंग हो एंड हमारे यहाँ पे नेजल वॉल होते हैं। जब ये पार्टीशन राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या एक तरफ झुका हुआ है दोस्तों, तो उसको क्या है डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। समझ में आया। अब दोस्तों पेशेंट का सवाल होता है, डॉक्टर साहब इसका क्या कारण है, ये क्यों मेरे को ऐसा डीएनएस हुआ है। दोस्तों अगर कारण की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो इसका रीजन होता है, एक होता है ट्रॉमा। बचपन में जाने अनजाने में आप पलंग से गिर जाते हैं, आपको किसी की फाइटिंग हो गया, क्रिकेट बॉल की इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नंबर वन ट्रॉमा। दूसरा दोस्तों बहुत बार क्या है डेवलपमेंटल भी होता है। डेवलपमेंटल जैसे जैसे आप ग्रोइंग होती है, कोई फेस का कोई डेवलपमेंट होता है, तो उसके कारण भी ये क्या है विकृति होती है। बहुत बार बच्चे की जैसे डिलीवरी होती है न्यूबॉर्न की, तो नाक दब जाता है या बच्चा यूट्रस में घूमता है, उसके कारण भी कई बार दोस्तों क्या है ये डीएनएस की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार दोस्तों जन्मजात जो विकृति होती है, जैसे कटा हुआ तालू या होंठ, उसके साथ भी ये विकृति होती है। सो दोस्तों ये है डीएनएस के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स, इसके साइन, कैसे आपको पता लगेगा कि मेरे को सर डीएनएस है। सो दोस्तों डीएनएस में क्या है, आपको जैसे एक नॉर्मल आदमी को अगर आप यूं फिंगर करते हो, आपको दोनों तरफ इक्वल एयर एंट्री आ गई। अगर आप एक कॉटन की थ्रेड से आप लेके अगर ऐसे लगाते हो ना दोस्तों, तो आपको दोनों तरफ इक्वल मूवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्या है कि डीएनएस है, तो आपको एक से कम ब्रीदिंग आएगा, दूसरे नाक से ज्यादा ब्रीदिंग आएगा। एंड आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को सर डीएनएस है, अगर आपने यूं पुल किया अपने चीक को, आपको दोनों तरफ बराबर ब्रीदिंग आता है, इसका मतलब क्या है कि जिस एक तरफ पे आपको डीएनएस है। सो आपको इस टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो एक सिंपल एक सीटी स्कैन होता है और एक नेजल एंडोस्कोपी होता है, उसके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि आपको कितना अमाउंट का डीएनएस है और आपको सर्जरी की इसमें जरूरत है या नहीं। अब दोस्तों अगर आपको सर्जरी की जरूरत है, तो इसका जो सर्जरी है उसको एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, जिसके माध्यम से हम डीएनएस को जो है वो ठीक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारे सर्जरी का नाम आता है, हमें डर लगता है कि मेरे नाक पे तो चीरा आ जाएगा, मेरे नाक पे तो निशान आ जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी है, द थिंग्स एंड द ब्यूटी ऑफ दिस सर्जरी इज एंटायरली एंडोस्कोपिक। बाहर से कहीं आपको चीर फाड़ टांका पट्टी दर्द निशान नहीं होता। एक से डेढ़ घंटे की सर्जरी होती है, उसके बाद में आप 5-6 दिन पे काम पे भी लौट सकते हो। अगर आप आर्मी एस्पिरेंट हो, तो 10-15 दिन बाद आपका मेडिकल भी हो सकता है। रूटीन कॉस्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों अराउंड 40,000 से 75,000 इसकी कॉस्ट होती है। डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा डीएनएस है। एंड आप अपना एक सक्सेसफुल डीएनएस सर्जरी के माध्यम से एक अच्छा सुखी ब्लॉकेज फ्री नोज आप पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।